तो फूलगोभी जब बन के तैयार हो जाता है तो इस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा सकिंग पेस्ट का प्रकोप होता है, तो उस टाइम पर कुछ ना कुछ दवा स्प्रे करना चाहिए सकिंग पेस्ट के लिए, जो अच्छा होता है। तो यहाँ पर हम एसीटामाप्रिड जो कि 20% सोल्यूबल पाउडर फॉर्म में आता है, तो उसको हम लोग स्प्रे करके देखते हैं। तो ये एक प्रोडक्ट है जिसका प्लांट कंपनी का है, प्लांट रिमाइंड्स कंपनी का, एक्सन नाम पे मार्केट में अवेलेबल है। तो इसमें जो टेक्निकल है, एसीटामाप्रिड 20% SP फॉर्म में आता है, यानी सोल्यूबल पाउडर फॉर्म में। बात कर लेते हैं कि कौन कौन सकिंग पेस्ट को ये कंट्रोल करता है। तो ये लगभग थ्रिप्स, जेसिड, एफिड, व्हाइट फ्लाई, सभी प्रकार की सकिंग पेस्ट को कंट्रोल कर लेता है। तो इसका डोज की अगर बात करेंगे तो 20 ग्राम पर 16 लीटर की पंप में आप लोग डाल सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम 20 ग्राम 16 लीटर के पंप में डाल दिया। तो इसको आप लोग किसी भी क्रॉप में स्प्रे कर सकते हैं, जैसे कि गोभी, फूल गोभी, मिर्चा, भिंडी, कॉटन, सभी प्रकार की फसल में आप लोग इसको सकिंग पेस्ट के लिए स्प्रे कर सकते हैं और रिजल्ट के मामले में बहुत ही अच्छा है। तो मार्केट में ये लगभग 40 रुपये में 20 ग्राम का पैक अवेलेबल मिल जाता है और ये 250 ग्राम का भी पैक मिलता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि मार्केट में कौन कौन सी नाम पे ये प्रोडक्ट मिलता है। जैसे कि UPL कंपनी का एरिस्टापिड नाम पे मिलता है, धानुका एग्रीटेक कंपनी का धनप्रीत नाम पे मिलता है। तो लगभग ये सभी प्रकार कंपनियों ये प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल कर देता है। अब हम लोग जान लेते हैं ये सकिंग पेस्ट के ऊपर कैसे काम करता है, यानी मोड ऑफ एक्शन क्या है। तो ये लगभग एग और एडल्ट और लार्वा ये तीनों स्टेज में काम कर लेता है। तो ये जो इसमें जो ट्रांसलेमिनर में लगा हुआ है, यानी अगर पत्ते के ऊपर दबा पड़ जाता है तो पत्ते के नीचे तक ये पहुंच जाता है, जैसे कि इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेमिनर। तो ये इस केमिकल में लगा हुआ है, इसीलिए ये लगभग, और जैसे कि एफिड, जेसिड, थ्रिप्स, वाइट फ्लाई ये पत्ते के नीचे की तरफ ही ज़्यादातर रहता है, तो इसीलिए ट्रांसलेमिनर बहुत ही मायने रखता है। तो इसमें जो ट्रांसलेमिनर लगा हुआ है तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाता है इसीलिए। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि फूलगोभी का जो सकिंग पेस्ट है इसमें देख रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा तरीके से प्रकोप हुआ है, तो इसके ऊपर हम स्प्रे करके देख रहे हैं, फिर आप लोगों को रिजल्ट दिखाने जा रहे हैं। तो एक दिन बाद यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि कितना बढ़िया रिजल्ट है, कि लगभग सकिंग पेस्ट देखने को अब नहीं मिल रहा है,